चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थियरम 8.5। थियरम 8.5 जो है वो कन्वर्ज है 8.4 का, जहां पे हमने 8.4 में जो डिस्कस किया था इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। अब यहां पे बोल रहे हैं इफ इन क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल देन इट इज अ कंसीडर एज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चा यहां पे अभी माइंड में रखना पड़ेगा कि हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम, और क्या दिया हुआ है, ऑपोजिट एंगल इक्वल दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। कंपैरेटिवली ये जो है वो थ्योरम थोड़ा लंबा है, लेकिन समझ के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। कौन से लॉजिक के हिसाब से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे वो आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहां दिया हुआ है थ्योरम 8.5, इफ इन क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहां स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमने ले लिया एक पैरेललोग्राम, या क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज कर सकते हो क्योंकि ये है क्वाड्रिलेटरल, बन जाएगा पैरेललोग्राम। थोड़ी सिस्टमेटिक नहीं है तो प्रॉपर ड्रॉ करते, चलो प्रॉपर है, क्लियर। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गिवन में। गिवन में क्या है बच्चा, तो आप लिखोगे ए बी सी डी इज अ, क्या है बच्चा ये क्वाड्रिलेटरल है जो हमें दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। और जहां पे दूसरा हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल ही है, हमें पहले से बोला हुआ है। ए का ऑपोजिट एंगल सी है और आप बोलोगे सर बी का ऑपोजिट एंगल है डी। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखना है, टू प्रूव, जो आप बोलोगे सर प्रूव क्या करना है, तो हमें लिखना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि ए बी पैरेलल टू सी डी करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और आप बोलोगे ऑपोजिट साइड सर पैरेलल करनी है तो दूसरी होगी ए डी पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव करना है। समझ में आया, हमें प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम है। उसके लिए बच्चा आपको दोनों साइड पैरेलल करनी पड़ेगी। तो बच्चा लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे, तो बहुत सिंपल समझते हैं। आपको ये पता है ये जो एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। लाइंस एंड एंगल्स में हमने डिस्कस किया था कि जब दो इंटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है, जब दो इंटीरियर एंगल का सम या टोटल 180 होता है तो वो दो लाइन पैरेलल होती है। क्लियर है बच्चा, लॉजिक क्लियर होगा तो वही हम यूज करेंगे। हमें यहां समझना है कि सपोज यहां पे हम ले सकते हैं ए बी इंटीरियर एंगल ले सकते हैं, बाद में आप बोलोगे ए बी या डी सी, कोई दोनों में से कोई भी ले लो, एक लोगे ऑटोमेटिक दूसरा सामने वाला भी इंटीरियर एंगल हो ही जाता है, तो वो क्लियर हो जाएगा। ये पैरेलल इससे कर देंगे और बाद में ये दोनों को पैरेलल हमें करना होगा, मतलब हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो गिवन है वहां से ही हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ का। आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर प्रॉपर्टी जो यूज करने वाले हैं वो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसका सम जो होगा वो आप बोलोगे सर 180 आएगा, और इसका यूज करके हम इसको पैरेलल प्रूव करेंगे। एक साइड पहले ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी, बाद में दूसरी ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहां पे हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ में पहला स्टेप हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये है 1, ये हो गया 2। ये आप बोलोगे सर गिवन में ही दिया हुआ है, तो हम यहां लिख देते हैं गिवन। तो ये पहला स्टेप तो हमारा खत्म हो गया, ये दोनों गिवन में। अब बच्चा हम आगे जाएंगे, अब हम सिंपल तरीके से क्या करते हैं, एड इक्वेशन 1 एंड 2, हम लिखते हैं एड 1 एंड 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो हम ऐड कर देंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। आप बोलोगे सर आपने राइट हैंड साइड एक ऐड किया और दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो ऐड किया, तो बच्चा एकदम सही है। और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 3 का यूज करके हमने ये कर दिया।
अभी एक और पॉइंट आगे के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, एक लिख लेते हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 हुआ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए और यहाँ पे एंगल सी, लेकिन इस बार बी की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल डी। कहाँ से आया? फ्रॉम 2। तो क्योंकि हमें पता है कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, तो यहाँ पे बी जो है वो एंगल, जहां पे एंगल बी है वहां पे डी लिखा, जहां पे डी है वहां पे बी लिखा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, हमारा मेन जो इक्वेशन बनाना क्लियर हो जाएगा। बच्चा ये 3 लिखा तो हम लिखेंगे 4। आपको ये नहीं समझ में आया तो टेंशन मत करना, ये पॉइंट हम फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सर ने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके ये प्रॉपर्टी यूज की है और उसके बाद ये इक्वेशन लाया हुआ है। अब बच्चा जो है मेन पॉइंट, अभी हमें ये समझना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम कितना होता है? 360। यही यूज करके हम 180 लाने का ट्राई करेंगे और इसमें हेल्पफुल होगा हमारा इक्वेशन 3 और 4। पहले 3 यूज करेंगे उसके बाद 4 यूज करेंगे। तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे सर चलो शुरू करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो वो तो आपको पता है कि सर एंगल जो होता है जो क्वाड्रिलेटरल के टोटल सम होता है वो 360 होता है। अभी बच्चा आगे लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल ए बी जो इक्वल है सी डी के, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी और सी डी की जगह बच्चा हम लिख देंगे क्या, आप बोलोगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360। समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत सिंपल बात है। आप बोलोगे सर ए बी की जगह आपने क्या लिख दिया, ए बी की जगह तो ए बी ही लिखा, लेकिन सी डी की जगह, एंगल सी डी की जगह आपने बोलोगे सर ए बी लिख दिया। जैसे ये लिखते हो बच्चा तो यहां पे हम लिख देंगे फ्रॉम 3, आपने ये लिखा हुआ है। अब एंगल ए और एंगल ए, तो 2 एंगल ए 2 एंगल बी ये 360, एंगल 2 कॉमन, मतलब ये 2 कॉमन निकाल देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360। तो आप बोलोगे सर ये एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होगा। क्लियर है? जैसे 180 आता है बच्चा तो आप बोलोगे सर हमारा एक काम खत्म हुआ, इसको अभी हम प्रॉपर अरेंज करेंगे, प्रॉपर वर्ड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर ये जो ए बी है ये दोनों का टोटल 180 आया, सही है? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, हम लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद बच्चा हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो एक लाइन ऐड कर देंगे, ए बी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू है सी एंगल सी प्लस डी इज इक्वल टू 180। ये क्यों लिखा बच्चा? ये अभी आपको अब पता चलेगा। तो यहां पे आपको वो समझना है कि यहां पे हम लिखेंगे ए बी जो है, लाइन ए बी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है डी ए एंड आप बोलोगे सी बी, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो एंगल इंटरसेक्ट, मतलब ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो दो जगह वो है डी ए एंड ए डी। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 जो लॉजिक है वो को इंटीरियर एंगल है। तो जैसे को इंटीरियर एंगल बोलोगे तो आप बोलोगे सर ये ए बी पैरेलल सी डी है, क्योंकि जब आप समझो कि दो एंगल का इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे सर क्या होगा, आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है जब दो एंगल का टोटल 1, को इंटीरियर एंगल का टोटल 180 हो जाता है तो वो दो लाइन पैरेलल हो जाती है। तो वही बच्चा हमने डिस्कस किया हुआ है कि जहां पे ये जो पॉइंट है सिंपल ये और ये, तो बच्चा यहाँ पे जो दो लाइन है, जैसे ये दो लाइन है इसका ये ट्रांसवर्सल और ये ट्रांसवर्सल, इसका 180 इसका 180, मतलब सी डी 180 और आप बोलोगे सर ये भी 180, तो ये दो लाइन आपस में क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है बच्चा? तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। और बच्चा हम अभी यही प्रॉपर्टी को फिर से यूज करेंगे और इसके बाद हम वो क्या करेंगे, AD
पैरेलल टू सीडी प्रूव करेंगे, एडी पैरेलल टू बीसी हम प्रूव कर देंगे, क्या पैरेलल है वैसा प्रूव कर देंगे। तो हमें ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। आप बोलोगे सर ये इक्वेशन जो था हमने ये इक्वेशन का नाम नहीं दिया तो नहीं लिखते, चलो तो ये इक्वेशन हमें पता है। आप बोलोगे सर इस बार हम यूज करते हैं एडी की जगह, एडी की जगह हम क्या लिखेंगे सीबी, तो हमने यहां पे लिख दिया सी प्लस बी और यहां पे लिखेंगे बी प्लस सी। एज इट इज जो था वो लिखा, एंगल ए और एंगल डी की जगह हमने क्या लिख दिया, तो आप बोलोगे सर सीबी इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, दूसरे स्टेप में हमें फोकस करना पड़ेगा, तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो 2 एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, यही लॉजिक हमें लगाना है। अभी आप लिख लोगे एंगल ये वाला, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। जैसे ये प्रूव करते हो तो सेम वे आप लिखोगे कि लाइन कौन सी ले लोगे, अभी लाइन ले लो ए डी इंटरसेक्ट डी सी एंड ए बी, सो वी कैन से दैट ए डी पैरेलल टू बी सी। बच्चा आखिरी जो पॉइंट है वो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा को इंटीरियर एंगल करके आपको प्रूव करना है। आपको वो ध्यान में रखना है यहाँ ऑपोजिट साइड जो है वो आपको पैरेलल प्रूव करनी है, तो वो जैसे हमने एक में प्रूव किया सिमिलरली हमने दूसरे में प्रूव किया, वही प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपको खाली लिखना पड़ेगा लाइन। तो बच्चा लिखना क्या था वो लिख लेते हैं, लाइन ए डी इंटरसेक्ट ए बी एंड डी सी एट अ पॉइंट ए एंड डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिखोगे को इंटीरियर एंगल, जैसे को इंटीरियर एंगल लिखोगे तो ए डी पैरेलल टू बी सी आ जाएगा और इसके साथ हमारा ए बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लंबा तो है, कई जगह पे कंफ्यूजन आने के चांस है, प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा, थियरम थोड़ा फोकस से करना। मिलता है बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में 8.3 के साथ।